वाला फ्यूम आज अपने मिरर फॉर्मूला को लेकर प्रेजेंट है यहां पे, ठीक है। तो ये मिरर फॉर्मूला का टोटल डेरिवेशन और उसको समझने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है। बट इसका यूज क्या है यहां पे एक्चुअली, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो सब चीजों को स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो डेरिवेशन है वो अपने टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक्चुअली उसका जस्ट फॉर्मूला जो है, लास्ट डिराइव्ड फॉर्मूला वो दिया गया है, बट इसका टोटल डेरिवेशन नहीं है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आजू बाजू में आपके पेन पेपर नोट्स है तो आप वो ले लीजिएगा और ये पूरा डेरिवेशन को आप साथ साथ में, मेरे साथ साथ में ही आप भी एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। या तो नोट्स बना के आप रख लिए जो पॉइंट आप भूल सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो आइए देखते हैं अपने मिरर फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मिरर फॉर्मूला में जो मैंने मिरर यूज किया है वो है कॉनकेव मिरर, राइट। अब वो कॉनकेव मिरर में अपने ने ये पढ़ा था रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में, मेरे प्रीवियस लेक्चर में, कि जब दो या उससे ज्यादा लाइट रेज जब मीट करते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, जब दो या उससे ज्यादा लाइट रेज मीट करते हैं तो उस पॉइंट पे क्या बनता है, इमेज बनता है, राइट। तो वो यहां पे आप देख सकते हो कि दो तीन लाइट रेज आके सब मीट कर रहा है सब, राइट। मैंने उसको अलग कलर से इंडिकेट भी किया हुआ है एक्चुअली, आप देख सकते हो। बट आप नोट डाउन करो मैंने जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में कौन से रूल्स अपने को बताए थे। तो सबसे पहला रूल ये था कि एक लाइट रे आ रहा था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा था, इंफिनिटी, राइट। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां जा रहा था, फोकस, एक कंडीशन वो था। सेकेंड कंडीशन ये था कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं फोकस से पास कराऊं तो लाइट कहां जा रहा था, इंफिनिटी, राइट। थर्ड कंडीशन क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं पास करवाता हूं तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाना था, राइट। और उसके बाद का जो था वो क्या था, आपको याद होगा अगर मैं पोल पे एग्जैक्ट इंसिडेंट करवाता हूं तो जो मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो था, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा। अब यहां पे आप ध्यान से नोट डाउन करिए, वही चारों रूल्स यहां पे यूज कर दिए मैंने और वो सारे के सारे जो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर जो मीट कर रहे हैं वहां इमेज बन रहा है। देखो अब इसको मैं वापस थोड़ा एक बार डिटेली स्टडी करवा रहा हूं, जो भी पॉइंट्स अभी मैंने ओरली बोले वही चीज को यहां मेंशन करने वाला हूं, सो जस्ट फोकस ऑन इट, ओके। तो जो सबसे पहला अपना पॉइंट है वो है ए बी, मेरा क्या है, ए बी क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, राइट। मैंने ए बी को क्या कंसिडर किया है, ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उससे लाइट रे आ रहा है, ठीक है, वो लाइट रे क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां से आ रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल इंफिनिटी से आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, इंफिनिटी। तो उसका जो लाइट रे है एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से कहां से पास हुआ, आप नोट डाउन करिए गाइस, फोकस, मतलब एफ पॉइंट से पास हुआ, राइट, ठीक है। अब ये फर्स्ट हो गया फिगर अपना, ठीक है। मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेली वापस अलग से भी बताता हूं रफली। आप यहां ऑब्जेक्ट कहीं मैंने इंफिनिटी पे पढ़ा है, उसका लाइट रे आया, ठीक है, मिरर पे इंसिडेंट हुआ और उसके बाद मिरर बना दिया मैंने, मिरर पे इंसिडेंट हुआ और उसके बाद ये पॉइंट कहां से पास हुआ है, फोकस से, क्लियर। फर्स्ट लाइट रे आपको समझ में आया कौन सा पॉइंट था, ठीक है। सेकंड, अगर मैं वही ऑब्जेक्ट जो यहां पड़ा है इंफिनिटी पे उसको अगर मैं फोकस से पास कराऊं तो वो लाइट रे कहां से जाएगा, इंफिनिटी, क्लियर। एक जब इंफिनिटी पे था तो कहां से पास हो रहा था, फोकस से, तो दूसरा अगर मैं फोकस से ही पास कराऊं तो ये कहां जाएगा, इंफिनिटी पे जाएगा। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला लाइट रे समझ में आ गया, वो ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जिसको मैंने दोनों के दोनों को ब्लैक कलर से बनाया, क्लियर हुआ, दोनों के दोनों को मैंने ब्लैक कलर से बनवाया। उसके बाद अब थर्ड पॉइंट, सपोज यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्लियर। तो जो थर्ड वाला है वो क्या अपने को बता रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगा तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा था अपना एक्चुअल रेडियस था, वो डायमीटर वाला पार्ट था, याद होगा आपको कि 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है जिसकी वजह से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन पास होता है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट होगा, क्लियर। तो ये पॉइंट हो गया, मतलब ये वाला रेड वाला जो लाइन है वो भी क्लियर हो गया। अब एकदम सबसे ही सिंपल और इजी वाला पॉइंट बचा है, कौन सा वाला, जो अपना थीटा इक्वल टू थीटा आर था, ये एंगल थीटा आई बनाता है तो ये एंगल अपना क्या बनाता है,
थीटा आर। क्लियर हुआ आपको? यही सारे पॉइंट्स है वो जो भी मैं अभी आपको यहां पे मेंशन करवाने जा रहा हूं। क्लियर? तो यहां पे आप नोट डाउन करो, फर्स्ट लाइट रे जो था ब्लैक वाला और ये सेकंड वाला, दोनों ब्लैक रे क्या इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट लाइट रे ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे। दूसरा ऑब्जेक्ट लाइट रे जब फोकस से जा रहा है तो इंफिनिटी पे जा रहा है। दो लाइट रे क्लियर। थर्ड लाइट रे जो है वो क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा। फोर्थ लाइट रे कौन सा है? अगर जो ग्रीन कलर की लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा बोल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब पी पॉइंट पे। तीन पॉइंट से आपको पास करना है। एक फर्स्ट लाइन फोकस से पास किया, कहां जाएगा? इंफिनिटी। सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, कहां जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड ग्रीन वाला लाइन कौन सा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब पोल पे पास करना है, तो थीटा आई इज इक्वल टू थीटा। और जो सबसे लास्ट है वो फोर्थ वाला है, वो तो सबसे कॉमन है, इंफिनिटी से कोई भी लाइट रे आता है तो कहां से पास होगा? फोकस। क्लियर? तो आपको ये सारे के सारे टोटल लाइट रेज आपको समझ में आ गया। अब आप नोट डाउन करो कि सारे के सारे लाइट रेज जहां पे गेट टुगेदर कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, मीट हो रहा है एक पॉइंट पे, वो पॉइंट पे क्या बना? अपना इमेज बना। क्या बना? इमेज। क्लियर? यहां तक आपको मतलब मिरर फॉर्मूला का आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम में किस तरीके से ऑब्जेक्ट और इमेज बनाया गया है और उसके कितने लाइट रेस कहां से आ रहे हैं और कैसे मीट करने के बाद इमेज फॉर्म हो रहा है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके, अब अपने साइन कन्वेंशन पे आते हैं। तो सर आपने तो बोला था कि ये पढ़ने से पहले ये पढ़ना जरूरी है। हाँ, अब इसके डेरिवेशन, इसका जो एक्चुअल डेरिवेशन है वो करने के लिए अपने को साइन कन्वेंशन का यूज करना जरूरी है। क्यों? साइन, ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। सर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव? राइट, थोड़ा सा वेट करिएगा, इसमें एक एक करके आपको क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं यहां से आपको लाइन बना रहा हूं, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट पे अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपना पोल। क्लियर? तो यहां से लेके यहां तक, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसको अपने क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है अपना? P से लेके B तक, उसको अपने बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हो गया अपना PB, जिसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? बट ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां तक तो ओके, बट इसकी वैल्यू क्या है? किसको, किससे इंडिकेट करते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं यू से। क्लियर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपने यहां किससे इंडिकेट कर रहे हैं? यू, ठीक है। बट ये यू में आगे आप नोट डाउन करिए, मैंने कोई प्लस या माइनस का सिंबल नहीं लगाया है। तो यहां पे ये साइन कन्वेंशन ये बताता है कि मिरर फॉर्मूला में ये जो पॉइंट है उसमें अगर मैं एक लाइन इंडिकेट कर रहा हूं, सपोज इसको मैं y एक्सिस बोलता हूं और ये जो मेरी लाइन है इसको मैं अगर x एक्सिस बोलता हूं, तो आप नोट डाउन करिए, ये मेरा पोल को ओरिजिन कंसीडर करो, मैक्स में ये पोल है, ठीक है, और ये मेरा ओरिजिन है और यहां पे मेरा मिरर बना है। तो आप नोट डाउन करके बताओ, ये वाला जो पार्ट है राइट हैंड साइड ऑफ x एक्सिस ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। वैसे ये जो पार्ट है मेरा y एक्सिस उसका अपवर्ड डायरेक्शन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। वैसे लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसा रहेगा? नेगेटिव। क्लियर? और ये नेगेटिव बट डाउनवर्ड जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? y एक्सिस का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर? तो अपना जो सिंपल मैक्स का जो एक्स वाई एक्सिस का जो सिंपल ग्राफ होता है वही यहां पे साइन कन्वेंशन के नाम से फेमस है, ठीक है। तो यहां पे आप नोट डाउन करो, वापस मैं आपको बता दे रहा हूं, ये अपना ओरिजिन था, इस साइड अपना पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, बट ये x एक्सिस के लिए, और y एक्सिस के लिए ऊपर की साइड में पॉजिटिव और नीचे की साइड में नेगेटिव। बस आप इसी को फॉलो करते हुए आप यहां पे पकड़ो, अब ये ओरिजिन का है, जो पोल है अपना वो ओरिजिन है, ऐसा कंसिडर करो। तो सबके सब आप नोट डाउन करो कि पॉजिटिव x एक्सिस में कुछ भी नहीं, पॉजिटिव x एक्सिस में कुछ भी नहीं, सबके सब नेगेटिव x एक्सिस में है, और पॉजिटिव y एक्सिस में क्या है? जस्ट खाली ऑब्जेक्ट का हाइट, और नेगेटिव y एक्सिस में क्या है? इमेज का हाइट। क्लियर? तो अपने इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है? u। अब ये जो u है एक्चुअली यहां से
ये P से लेके B तक का जो डिस्टेंस है उसको अपने बोलते हैं U, और वो U कैसा है यहाँ पे माइनस, U कैसा है माइनस, क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, क्लियर? तो PB अपना क्या हो गया माइनस U, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता जाता हूँ PB क्या है अपना माइनस U, ये पूरा डेटा है जिसका अभी अपने को यूज करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आप नोट डाउन करो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपने क्या बोलेंगे PB, क्लियर? सब चीज को मैं अपने यहां पे मेंशन करते जाते हैं फाइंड आउट करते हुए। उसके बाद अब यहां से यहां तक मतलब कि ये वाला डिस्टेंस यहां पे क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां पे क्या है P, तो P से लेके C तक का जो डिस्टेंस है और यहां क्या था B, ठीक है? और यहां है P, तो P से लेके C तक का जो डिस्टेंस है एक्चुअली उसको मैं क्या बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जैसे C वैसे इसको अपने क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं किससे इंडिकेट करूंगा कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे मैं इंडिकेट करूंगा कैपिटल R, और वो भी आप नोट डाउन करो कि ओरिजिन से x एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में, देखो नेगेटिव है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे माइनस R, मतलब ये क्या है अपना PC, PC क्या है अपना माइनस R, PC क्या है माइनस R। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये पॉइंट पे आते हैं, तो अब ये पॉइंट को नोट डाउन करो, ठीक है? ये पॉइंट, तो ये पॉइंट आप देख सकते हो कि जो P पॉइंट है और ये अपना क्या था इमेज वाला पॉइंट मतलब B डैश, ये वाली लाइन, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन पे जो भी पॉइंट है उसी को अपने को कंसीडर करना, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है B, तो यहां पे क्या आएगा B डैश, सॉरी ये B डैश है और ये B, ठीक है? ये अपना B है और ये B डैश है, तो P से लेके B डैश तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा इमेज डिस्टेंस, यहाँ इमेज बना ना और ये पोल, तो यहां से लेके इमेज तक जहां तक इमेज बना है, इमेज जहां बना उस पॉइंट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको इमेज डिस्टेंस, जैसे ऑब्जेक्ट जहां था वहां से लेके पोल तक के डिस्टेंस को अपने क्या बोला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वैसे पोल से लेके B डैश तक मतलब जहां इमेज बना वहां तक के डिस्टेंस को अपने क्या बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, क्या बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है PB डैश क्या है V, उसको किससे इंडिकेट करेंगे कैपिटल V, बट वो कैपिटल V जो है एक्चुअली वो देखो कैसा है माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये किस साइड है नेगेटिव साइड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? याद रखो के अब उसके बाद कौन सा पॉइंट बचा PF, उसके बाद अब अपना लास्ट पॉइंट बचा है PF, तो ये पॉइंट अपना P और ये पॉइंट अपना F, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको अपने क्या बोलेंगे फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे फोकल लेंथ, तो उसको अपने इंडिकेट करेंगे F से, कौन से F से स्मॉल F, कौन से F से स्मॉल F, और आप नोटिस करो P से लेके F तक तो स्मॉल F, बट ये भी किस साइड है नेगेटिव, मतलब आप नोट डाउन करो PF को मैं क्या बोलूंगा माइनस F, PB डैश को क्या बोलूंगा माइनस V, वैसे अब और क्या बचा अपना बस दैट्स इट, ठीक है? इमेज डिस्टेंस को अपने क्या बोलेंगे इमेज डिस्टेंस को PB डैश, अब ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब ये हुई ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट की हाइट है तो अपने इसको क्या बोलेंगे AB, तो इमेज का बना ये रहा, तो इमेज की हाइट कितनी है, इमेज की हाइट A डैश B डैश, इमेज की हाइट को अपने क्या बोलेंगे A डैश B डैश, यहां तक क्लियर? तो अपने को ये डेटा मिल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, इमेज हाइट क्या है, और साइन कन्वेंशन का यूज क्या कहां था यहां पे, जो भी अपने को वैल्यू मिला यू आर वी एफ जो भी मिला है उसके आगे आप नोट डाउन कर सकते हो कि यहां पे क्या है माइनस, यहां पे क्या है माइनस, ये अपना क्या था वी था, है ना? ठीक है, यहां पे सब क्या है माइनस, तो ये माइनस जो है वो क्या है, किसके बेस पे अपने ने माइनस लिखा है विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन क्या कहता है ओरिजिन से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कुछ भी होगा तो वो सब माइनस साइन लगेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कुछ भी होगा वो सब पे प्लस साइन लगेगा, और वैसे ही वाई एक्सिस पे अपर साइड पे कुछ भी होगा वो सब पे प्लस साइन लगेगा, और वाई एक्सिस पे ओरिजिन से नीचे की तरफ कुछ भी होगा उस पे माइनस साइन लगेगा, ऊपर वाले पे प्लस साइन नीचे वाले पे माइनस साइन, क्लियर? तो आइए अब अपने देखते हैं आगे, तो AB, AB क्या है ऑब्जेक्ट हाइट, तो उसको मैं किससे इंडिकेट करता हूं H, वैसे A डैश B डैश को किससे इंडिकेट करूंगा H डैश से, ताकि अपने को पता चले वो ऑब्जेक्ट है ये इमेज है। अब नोट डाउन करो
ऑब्जेक्ट हाइट को ए बी बोला है तो इमेज को क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश। ये ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो वापस ए बी से इंडिकेट करूंगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, इसलिए मैंने उसको डैश लगा दिया है। क्लियर? तो इसकी जो हाइट है वो एच है, तो इसकी हाइट को मैं क्या बोलूंगा, एच डैश। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यूज है अपनी पेंडिंग, ये अभी अपना यूज अपने करेंगे, इसको मिरर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए दो वैल्यू की जरूरत है। अब वो भी अभी अपने एक एक करके स्टडी करते हैं। अब अपने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, एक्चुअली ये जो मैंने बनाया हुआ है ये क्यों बनाया, अब ये जो मिरर फॉर्मूला आपने ने, पहले अपने ने सिखा डायग्राम, सेकंड वो डायग्राम के बेस पे उन सब लोगों का डिस्टेंस की वैल्यू और वो वैल्यू के आगे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव उसके लिए साइन कन्वेंशन, यहां तक अपना कंप्लीट हुआ। अब जो अपने पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन। अभी सिर्फ डायग्राम कंप्लीट हुआ और उसके वैल्यूज फाइंड किया, अब उसको अपने डिराइव करने जा रहे हैं, डेरिवेशन अब अपना स्टार्ट होने वाला। बट डेरिवेशन स्टार्ट कैसे करें, तो डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए अपने को ये डायग्राम को डिटेली एनालिसिस करना है। तो आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये चीज दिखेगा कि यहां पे ट्रायंगल्स दिख रहे बहुत सारे, एक्चुअली ट्रायंगल्स दिख रहे बहुत सारे, तो वो ट्रायंगल क्या बताना चाह रहा है अपने को यहां पे। ठीक है, एक्चुअली वो ट्रायंगल अपने को यहां क्या बताना चाह रहा है, तो आप नोट डाउन करो, ए बी सी ये ट्रायंगल दिखा, वैसे ए डैश बी डैश सी ये ट्रायंगल भी दिखा। ठीक है, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं, इन्हीं आपको आइडिया लग गए। ठीक है, ए बी सी और ए डैश बी डैश ये रहा, को ए बी सी और ये रहा अपना ए डैश बी डैश सी। क्लियर, ये दो ट्रायंगल आपको दिख गया होगा, ये रहा वो ट्रायंगल, ये रहा। ठीक है, मैं यहां पे वापस हाईलाइट कर रहा हूं, ये रहा अपना वो ट्रायंगल। ठीक है, ये रहा वन, नंबर वन लिख देता हूं, मैंने आपको याद रहेगा कि ये दोनों अपना फर्स्ट ट्रायंगल है। क्लियर हुआ, यहां से आपको फर्स्ट ट्रायंगल दिख गया। तो ये फर्स्ट ट्रायंगल में आप नोट डाउन करो कि ये जो पार्ट है, मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आइडिया आ जाएगा आपको कि ये जो पार्ट है वो क्या बता रहा है, जेड बता रहा है। जेड मतलब ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल में ये जो दो एंगल है वो कैसे होंगे, सेम होंगे। ये दो एंगल कैसे होंगे, ऑल्टरनेट एंगल है तो वो कैसे होंगे, सेम होंगे। ये दो एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री, तो ये भी सेम हो गए, तो थर्ड एंगल तो ऑफ कोर्स सेम होना ही है। क्लियर, तो इस तरीके से जब तीनों एंगल सेम हो तो उस ट्रायंगल को अपने बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगेगा, तो अपने इसका किस तरीके से यूज करेंगे यहां पे, तो आप नोट डाउन करो, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बेस पे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बेस पे अपने को यहां पे कौन सा वाला अभी यूज कर रहे हैं अपने, ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड नंबर का। ठीक है, तो फर्स्ट सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बेस पे कौन सा सिमिलरिटी लगेगा, ए बी सी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी, राइट। तो अपने स्टार्ट करते हैं, अब ए बी सी ए डैश बी डैश सी, तो यहां पे क्या आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। क्लियर हुआ, तो ये जो फर्स्ट ट्रायंगल का अभी अपने ने यूज किया है विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये जो अपना लास्ट में फॉर्मूला बना, इसी को अपने मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ये टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन, यही टॉपिक का नाम है मैग्निफिकेशन। तो एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या है, तो अब इसको अपने डिटेली थोड़ा स्टडी करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन का मतलब एक्चुअली होता है रेशियो ऑफ इमेज हाइट और डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट और डिस्टेंस। सर ऐसा क्यों, इसका फॉर्मूला जो है वो है मैग्निफिकेशन का जो डेफिनेशन है, ऐसा बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, या अब इसको जब कंपेयर करोगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के साथ, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि रेशियो ऑफ
इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्यों आंसर, रीजन क्या है? चलो अब अपने इसको थोड़ा डिटेली पढ़ के फिर ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आप ये नोट डाउन करके रखना, अब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के साथ साथ अपने मैग्निफिकेशन का भी यूज करेंगे यहाँ पे। तो दोनों में आप ये देख सकते हो कि सेम ही कुछ फिनोमेना यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मेरा मिरर है और यहाँ पे मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका आफ्टर रिफ्लेक्शन जो कोई भी अपना, ठीक है, बन गया, अपना मीट करा, दो लाइट रे मीट कर गए, अब यहां पे अपना इमेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में जो इमेज की हाइट है क्या वो सेम है? नहीं, अलग है ना। तो कितना छोटा है या कितना मैग्नीफाइड, मतलब कितना डिमिनिश्ड है या कितना मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड ये वर्ड आपको इंडिकेट हो रहा है, तो कितना छोटा है या कितना बड़ा है ये चीज कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, चलो अपने यहाँ पे मैंने मिरर बनाया हुआ है, मेरा इमेज जो है फॉर एग्जांपल यहाँ बना और मेरा ऑब्जेक्ट हाइट यहाँ पे और ये मेरा 2 सेंटीमीटर है और ये मेरा 6 सेंटीमीटर इमेज बना, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप बताओ मुझे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इमेज है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज हाइट, ये 2 सेंटीमीटर हाइट है इसका, 2 सेंटीमीटर हाइट है इसका और इसका 6 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, इन दोनों में से कौन बड़ा? ये बड़ा। कितना टाइम्स बड़ा, कितने टाइम्स ये इमेज बड़ा है वो कैसे पता चलेगा? तो ऐसा बोल सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज है वो 3 टाइम्स बड़ा है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो 3 टाइम्स, बट उसका आंसर कैसे मिलेगा अपने को? तो मैग्निफिकेशन को अगर मैं स्मॉल एम से इंडिकेट करता हूं तो मेरा जो आंसर है वो क्या होगा? 6/2, मतलब आंसर क्या हुआ? 3। और ये 3 में भी ये कैसा वाला 3 है? पॉजिटिव 3। क्यों पॉजिटिव 3? जो मेरा इमेज है वो कैसा है? इरेक्ट, स्ट्रेट, ठीक है, और वाई एक्सिस के पॉजिटिव में। तो उस तरीके से मैं क्या बोलूंगा इसको? +3। बट ये चीज इन्वर्टेड होता तो मैं वहां पे क्या लगा था? इन्वर्टेड होता। सपोज ये इमेज मेरा नीचे की तरफ, फॉर एग्जाम्पल इसी तरफ नीचे की तरफ होता तो मैं उसको क्या बोलता? ये भी 6 सेंटीमीटर होता। तो इन दोनों के बीच में जो इमेज बना है वो ऐसा, अगर ऐसा होता फॉर सपोजिशन, तो उस समय में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? -1। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड है। तो इरेक्ट मतलब वाई एक्सिस के हिसाब से भी आप बोल सकते हैं कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होता तो +3 और नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ होता तो -3। तो ये जो मैंने कितने टाइम्स है वो कैसे मुझे पता चला? एम मतलब मैग्निफिकेशन, उसका आंसर मुझे कैसे मिला? उसके रेशियो से। तो रेशियो ऑफ इमेज वैल्यू अपॉन ऑब्जेक्ट वैल्यू, तो अपने को उसका एक्चुअल आंसर मिलेगा कि वो कितना टाइम्स बड़ा है। क्लियर हुआ यहां तक? आया आपको समझ में? तो मैग्निफिकेशन क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। क्लियर? तो अब अपने ये फॉर्मूला को लेते हुए या सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसका डेरिवेशन, तो रेशियो ऑफ इमेज हाइट, ठीक है। अब ये तो ट्राइंगल के बेस पे अपने एक एक स्टार्ट करेंगे, तो अभी अपने फर्स्ट ट्राइंगल पे अपने वर्क कर रहे हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हाइट है, ये मेरा इमेज हाइट, क्लियर? तो मेरा इमेज हाइट क्या है? ए डैस बी डैस अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट क्या है? ए डैस बी डैस अपॉन ए बी इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या है? बी डैस से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलूंगा? इमेज डिस्टेंस। तो ये मेरा हो गया बी डैस सी अपॉन, अब ये जो है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? बी से लेके सी तक ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लेके ये सेंटर पॉइंट तक मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और यहां से यहां तक मेरा क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस हो गया, क्लियर? तो वैसे मैं यहां पे क्या लिखूंगा? बी सी, क्लियर हो गया। तो पहले इमेज का इंफॉर्मेशन अपॉन ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां तक क्लियर? अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। तो ए डैश बी डैश उसकी वैल्यू ये रही, ए डैश बी डैश उसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू क्या है? यहां पे सॉल्व करता हूं, इसकी वैल्यू क्या है? एच डैश अपॉन ए बी, उसकी वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू एच, ये दो वैल्यू यूज हो गई। अब इसके साथ बी डैश सी, ये रहा बी डैश सी मेरे पास नहीं है, बी डैश सी की वैल्यू मेरे पास नहीं,
और बी सी की भी वैल्यू मेरे पास नहीं, तो अभी के लिए अपने यहां पे लिखेंगे बी डैश सी अपॉन बी सी। बट क्या फाइंड भी नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स फाइंड कर सकते हैं, आइए अपने फाइंड करते हैं। तो ये मेरा लाइन है एक्चुअली मेन लाइन, ये वाला ठीक है, और यहां मैंने रखा है बी डैश और यहां रखा है बी और बीच में कहीं पड़ा है सी, क्लियर। अब आप नोट डाउन करिएगा ये बी सी और पी डैश के साथ साथ मैं यहां पे थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, ये मेरा पोल था, यहां कहीं पे मेरा बी डैश है और यहां कहीं मेरा सी। सर ये लाइन कहां से आई? ये लाइन एक्चुअली गाइस और कोई लाइन नहीं है, ये लाइन ये रहा जिसमें एक पॉइंट है अपना P, दूसरा पॉइंट है बी डैश, एक F, एक C और एक B, राइट चार पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो वही चार पॉइंट मैंने यहां पे लगाए, एक है P, एक है B, ये रहा मेरा P, ये रहा B, ये रहा B और ये रहा B, ये रहा बी डैश, ये रहा बी डैश, ये रहा अपना C, ये रहा C। अब इसमें से कौन सी वैल्यू है अपने पास, आप नोट डाउन करो कौन सी वैल्यू ऑलरेडी है अपने पास। P से लेके B तक की वैल्यू है, ये देखिए P से लेके B तक की वैल्यू है अपने पास, राइट ये वैल्यू है अपना यहां से यहां तक माइनस U, इसको अपने क्या बोलेंगे, मैं अलग कलर से इंडिकेट करता हूं आपको याद रहेगा, माइनस U, क्लियर हुआ। और दूसरा मेरे पास B से लेके C तक की वैल्यू नहीं है, ये भी वैल्यू नहीं है, अब P से लेके B डैश तक की वैल्यू है। चलो इसको भी अलग कलर से अपने इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है माइनस बी, चलो ये भी हो गया माइनस बी, क्लियर, ये अपने पास आ गया माइनस बी यहां से लेके यहां। अब आप मुझे बताओ मेरे पास और एक वैल्यू बच गई है, वो है यहां से लेके यहां तक की वैल्यू जिसे अपने बोलते हैं माइनस आर। आप देख सकते हो कि पी सी की वैल्यू माइनस आर, पी बी की वैल्यू माइनस यू और पी बी डैश की वैल्यू माइनस बी, तीनों वैल्यू क्लियर यहां तक ओके। अब क्या एक दो और तीन, ये तीन वैल्यू के मदद से अपने ये वाला वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते। कैसे? तो PB की जो वैल्यू है वो है माइनस यू, तो PB से अगर मैं PC को माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला आंसर मिल जाएगा, राइट। मैं आपको वापस यहां अलग से बता रहा हूं कि मेरे पास PB की वैल्यू है और यहां कहीं C है और पी सी की भी वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू है मेरे पास u माइनस u और ये वैल्यू भी है मेरे पास माइनस r, तो क्या मुझे ये वैल्यू नहीं मिलेगा? मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। कैसे? बड़े में से मैं छोटे को माइनस कर दूंगा, इतना पार्ट अगर मैं उड़ा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो माइनस u के साथ मैं माइनस r को कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने, कैसे स्टार्ट करेंगे, सॉरी ए डैश बी डैश की वैल्यू जो थी वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस एच होनी चाहिए थी, यहाँ पे अपने मेंशन करना रह गया था वो वाई एक्सिस के नीचे की तरफ है मतलब कि माइनस, तो ये हो गया अपना माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी, तो यहाँ पे माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू बी डैश सी की वैल्यू क्या होगी, B'C की वैल्यू क्या होगी वो तो अभी फाइंड करना रह गया था, वो भी एक बार देख लेते हैं। चलो B'C, ये अपना P था, ये अपना B' था, ठीक है, और ये अपना C था, ये रहा देखो P, C, B'। इसको मैं थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू थी वो थी माइनस आर, मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, और पी से लेके B' तक की जो वैल्यू है वो है मेरा माइनस बी, इसको भी मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, आपको याद रहेगा ये माइनस बी। अब आप सोचो ये बड़े में से मैं ये छोटे को माइनस कर दूं तो क्या मेरा आंसर नहीं मिलेगा? मुझे मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। तो चलो रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस एच डैश अपॉन
h माइनस एच डैश अपॉन एच के हिसाब से अपने रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू बी डैश सी, मुझे बी डैश सी चाहिए तो क्या करूंगा, पी सी माइनस क्यू डैश, चलो देखते हैं, पी सी माइनस क्यू डैश अपॉन इसकी वैल्यू चाहिए बी सी की, तो क्या करूंगा मैं बी सी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो क्या करूंगा पी बी माइनस पी सी, चलो स्टार्ट करते हैं, पी बी माइनस पी सी, क्लियर यहां तक, यहां तक आया आपको सबको समझ में, तो अब ये वैल्यूज अपने को पुट करना है और अब अपना मिरर फॉर्मूला एकदम आसान हो जाए, चलो अपने स्टार्ट करते हैं गाइज, ये जो भी मैंने आपको अभी समझाने के लिए बनाया था आप उसको भी अलग से रिप्रेजेंट करके रख सकते हो आपके साथ ही, ठीक है, नोट्स जो भी मैंने इसलिए आपको पहले ही बोला था कि आप बना के रखिएगा, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं, माइनस एच डैस अपॉन एच इज इक्वल टू पी सी, पी सी की वैल्यू क्या अपने पास माइनस आर, क्लियर, पी सी की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस आर, और यहां पे क्या आएगा माइनस, ये माइनस आर, क्लियर हुआ, माइनस, अब पी बी डैश, पी बी डैश की वैल्यू क्या है माइनस बी, ठीक है, ये हो गया माइनस आर, ये हो गया माइनस बी, पी बी डैश यहां तक ओके, अब उसके बाद अपने क्या देखेंगे पी बी माइनस पी सी, तो पी बी क्या है अपने पास माइनस यू, क्लियर, उसके बाद क्या है माइनस, और ये माइनस के साथ पी सी, तो पी सी क्या है माइनस आर, यहां तक ओके, अब इसको आगे अपने सॉल्व करेंगे, ये हो गया अपना इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस आर प्लस बी अपॉन माइनस यू प्लस आर, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर वन, याद रखो ओके, क्लियर, अब अपने सेकेंड ट्रायंगल पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन खत्म हो गया है, अब अपने करेंगे सेकेंड इक्वेशन, मतलब सेकेंड ट्रायंगल की बात, वापस यहां पे भी सेम रूल आप अप्लाई करिएगा, यहां पे भी यही सेम रूल आप अप्लाई करो, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और मैग्निफिकेशन का, और उसका फॉर्मूला है m इक्वल टू h डैश अपॉन h, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट हाइट और ये रहा अपना इमेज हाइट, और ये कैसा रहेगा नेगेटिव, ये कैसा रहेगा नेगेटिव, क्लियर, क्यों नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपने क्या सीखा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड, और ये काम है ये रहा, देखो आप ये नोट डाउन कर सकते हो, मैं इसको वापस बताने के लिए मैं आपको इतना पार्ट मिटा रहा हूं, एंड आपको दिखे ये रहा एक अपना ट्रायंगल, क्लियर, ये रहा अपना सेकंड नंबर, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं यहां पे सेकंड नंबर, ठीक है, और वैसे ही यहां पे भी आपको नोट डाउन करके मैं बता सकता हूं कि ये रहा अपना सेकंड नंबर, ये अपना सेकंड नंबर का ट्रायंगल, क्लियर, जिसको अपने यहां पे डिटेल पढ़ना है, ये रहा अपना सेकंड ट्रायंगल, क्लियर हुआ, आगे आपको यहां तक समझ में, और ये भी हटा दूंगा, अब ये हो गया अपना सेकंड ट्रायंगल, क्लियर, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो ट्रायंगल हो गया अपना सेकंड ट्रायंगल, तो अब ये अपने ने यहां से ले लिया, अब इस फिगर से जो अपने ने यहां ले लिया है, अब इस पे मैग्निफिकेशन का रूल जैसे अपने अप्लाई करेंगे, तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, मतलब a डैश b डैश अपॉन a इज इक्वल टू p से लेके b तक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, p से लेके b डैश तक का ये इमेज है, तो मेरा ये हो गया इमेज डिस्टेंस, और यहां से लेके यहां तक का मेरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट, तो ये हो गया मेरा pb डैश और ये हो गया मेरा p, चलो अब इसका वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा a डैश b डैश, मतलब ये ही था, तो उसका वैल्यू क्या था माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आप यहाँ पे भी अलग से दिया हुआ है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ए डैश बी डैश क्या है माइनस एच, ए डैश बी डैश क्या है माइनस एच, ए बी क्या है प्लस एच, तो माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू पी बी डैश, पी बी डैश क्या है अपने पास माइनस बी, पी बी क्या है माइनस यू, क्लियर यहां तक, तो अब अपना आंसर क्या आने वाला है, ये माइनस और ये माइनस कैंसल, क्लियर, तो अपना फाइनल इक्वेशन क्या बना माइनस एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी बाई यू, और ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन, ठीक है,
अब अपने को क्या करना है यहां पे, सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है टू को इन वन। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस एच डैश अपॉन एच के जगह पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, वी बाय यू। तो वी बाय यू इज इक्वल टू अपना आंसर क्या बचा था फाइनल, माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर। यहां तक आपको सबको समझ में आया? चलो अब ये वाला जो है, अब एकदम सिंपल इक्वेशन है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहां से इसको इसके साथ। तो आइए देखते हैं, v के साथ माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे अपने, u के साथ माइनस आर प्लस वी। यहां तक आ गया आपको सबको समझ में? जस्ट अब एकदम सिंपल इक्वेशन है, क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, v माइनस के साथ u प्लस v r इज इक्वल टू माइनस u r प्लस u v। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब आप नोट डाउन करिए गाइस, ये अपना माइनस v, ये अपना प्लस u, ये अगर इस साइड चला जाएगा इक्वल के तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। तो अब अपने इसको सॉल्व करते हैं, वी आर इज इक्वल टू ये माइनस यू आर को मैं इस साइड डाल देता हूं, तो वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू ये भी यू इस साइड रहेगा, यानी यू वी सॉरी यू वी प्लस ये वाला यहां पे आ गया, यानी कि वी यू, यानी इसको मैं क्या बोलूंगा, वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू टू यू वी। यहां तक आपको सबको समझ में आया, वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू टू यू वी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जस्ट आर को कॉमन लेना है, तो यहां पे क्या लिखोगे, आर टेकिंग कॉमन वी प्लस यू इज इक्वल टू टू यू वी। यहां तक आ गया आपको सबको फाइनल और एकदम सिंपल इक्वेशन बचा है, बट इसके लिए अब मुझे वापस थोड़ा सा कोई चीज को रफ करना पड़ेगा, तो अपने ये वाले पार्ट पे इसको रफ करते हुए यहां पे मैं आपको इसको एंड करवा रहा हूं, ठीक है। यानी आप वापस आप इसको बहुत ही डिटेली आप आराम से अच्छे से समझ सकते, ठीक है। आप रिवाइंड करके देख सकते हो कि मैंने जो भी फिगर बनाया है वो सब आपको वापस आप एक बार नोट्स बनाओगे तो आपको डिटेली समझ में आ ही जाने वाला है। तो अपने इस पॉइंट को लेते हुए वापस यहां आ जाते हैं, ठीक है। आर बी जो है अपना, अब जो इसके बाद का फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, अपना वो क्या हो जाएगा, आर वी प्लस यू इज इक्वल टू टू यू वी, राइट। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें आप क्या कर सकते हो, ये यू वी को नीचे ला दो और इसमें ये आर को यहां नीचे ला दो, तो वी प्लस यू, ठीक है, वी प्लस यू अपॉन ये यू वी आ गया इज इक्वल टू टू बाय आर। अब आप इसको सेपरेट करिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको आप सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन यू वी प्लस यू अपॉन uv is equal to 2 by r, uu get cancel, vv get cancel, तो अपना final formula है 1 upon u plus 1 upon v is equal to 2 by r, ये हो गया अपना mirror formula derived, अब ये हो गया अपना mirror formula actually derived, clear। अब इसमें भी कुछ cases है actually, इसके अंदर भी कुछ cases है जिसमें अपने को ये फॉर्मूला कभी कभी यहां तक में स्टॉप हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन ही ऐसा आता है कि डिराइव मेरा फॉर्मूला 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2 बाय r, तो तब तो आपको इतना ही करना है। बट सपोज क्वेश्चन आता है कि नहीं ये नहीं, आपको कुछ दूसरा डिराइव करना है, ठीक है, तो वो उस समय में आपका जो केस होगा वो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल, अब इसको थोड़ा सा मैं फिगर भी रफ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि अब अपने को क्या करना है। अब अपने को ऐसा करना है कि जो केस वन उसके बारे में स्टडी करना है, तो केस वन अपने को क्या बताना चाह रहा है,
केस वन ये बताना चाह रहा है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट का मेरा डिस्टेंस जो है वो इंफिनिटी रखूं तो मेरा इमेज जो है मतलब ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी रखूं तो इमेज मेरा कहां बनता है, फोकस पे, राइट। तो इसी चीज को इसके अंदर अप्लाई करो, ऐसा होता है मतलब कि 1/u + 1/v = 2/r के अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो मेरा इंफिनिटी रखूं और इमेज जो है वो मेरा फोकस रखूं तो 2/r क्या हो जाएगा मेरा, 1/∞ तो 0 हो गया, ये तो गया, यानी कि 2/r = 1/f हुआ। तो इसको मैं यहां क्या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/u + 1/v = 1/f, सॉरी ये कैपिटल f नहीं स्मॉल f, ठीक है, कैपिटल f भी रख सकते हो आप, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, 1/u + 1/v = 1/f ये मेरा फाइनल इक्वेशन है। कभी कभी यहाँ पे स्टॉप किया जाता है तो कभी कभी यहाँ पे, डिपेंड करता है कि जो भी एग्जामिनर है वो पेपर सेट करते वक्त ये वाला इक्वेशन रखेगा तो यू हैव टू स्टॉप हियर ओनली, ओके। बट यहाँ पे अगर कभी पूछ लिया जाता है 1/u + 1/v = 1/f तक पहुंचना है अपने को तो आपको यहाँ तक तो डिराइव करना ही है, बट उसके बाद अपने को केस वन इमेजिन करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपना कहाँ था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है इंफिनिटी, तो इमेज जो है वो कहाँ फोकस होता है, इमेज जो है वो कहाँ बनता है फोकस पे। तो इस तरीके से आपको केस रखना है और जस्ट ये 2/r की जगह पे 1/f की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, क्लियर, जस्ट दैट्स इट। I hope you all understand, guys. This is very important formula for this chapter. और ये ज़्यादातर हमेशा exam में ये question आया ही है. So please इसका notes बना दीजिएगा आप. ठीक है? I hope you all understand very well. Thanks a lot for watching this video.